हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर किंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि आम के तने से कैसे हम पौधा तैयार करें, यानी नर्सरी कैसे तैयार करें। चलिए हम देखते हैं कि नर्सरी कैसे तैयार करें। दो आमों के जड़ों से हम टहनियों से आम कैसे तैयार करें, ये देखिए। हम आम के जो टहनी है उसे कट कर लेते हैं, और जो कट करते हैं इसके पत्ते को भी कट कर लेते हैं। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, हम आम का जो नीचे वाला हिस्सा है, दो जड़ हैं, जो दो जड़ों से हम एक टहनी को कैसे जुड़ें, यानी कि जिसे ट्रांसप्लांटिंग भी कह सकते हैं और नर्सरी भी कर सकते हैं। नर्सरी इसका तैयार कैसे करें हम, ये देखिए। तो हम इसे छील लेते हैं, इसके बाद एक ऊपर से हम कलम लेते हैं, इसके दशहरी आम भी बोल सकते हैं। दशहरी आम को कैसे जोड़ें हम, तो ये जोड़ने के लिए देखिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत समझ में आ जाएगा और पता भी चल जाएगा, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने कट कर लिया है अच्छे से, और फिर इसे हम ये देखिए अच्छे से कट कर लेते हैं जुड़ने तक, और फिर इसे देखिए चिपका के देख लेते हैं हम अच्छे से, अच्छे प्रकार से चिपकने लायक हो जाए। फिर हम उसके बीच में रख के प्लास्टिक से हम इसका ये करेंगे, इसके ऊपर प्लास्टिक लपेट देंगे ताकि उसे हवा ना लगे। और हम ये देखिए, हमारा प्लास्टिक है जो रैप करने के लिए आता है, वो प्लास्टिक है। इस प्लास्टिक से हम इसे अच्छे से टेपिंग टाइप का कर लेते हैं ताकि हवा ना लगे। यदि हवा लगेगा तो ये सूख जाएगा, इस वजह से हम प्लास्टिक से टेपिंग कर लेंगे अच्छे से। और टेपिंग करते समय ये ध्यान दें कि अच्छे से टेपिंग हो ताकि उसमें हवा ना जाए। टेपिंग करने के लिए हमें अच्छी सी प्लास्टिक, अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक चाहिए। इसके बाद हम इसे टेपिंग करने के इसमें फास्ट रूट रोट रोटिंग हार्मोन्स भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसे नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद इसे बांध लेते हैं हम, बांधने से इसके बाद और भी प्लास्टिक हम यूज कर सकते हैं चाहे तो बांधने के लिए। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, तब आपको पता चलेगा कि नहीं कैसे होता है ट्रांसप्लांटिंग, नर्सरी कैसे तैयार होता है। और ये देखिए, ऊपर से हम प्लास्टिक इसमें कवर कर दें ताकि हमारे पौधे को, यानी प्लांट को, मेरे प्लांट को हवा ना लगे। हवा लगेगा दोस्तों तो ये देखिए, हवा लगेगा तो सूख जाएगा पौधा, और पौधा जब सूख जाएगा तो फिर उसका उत्पादन नहीं हो पाएगा। और ये देखिए दोस्तों, हमारा ये देखिए 23 दिनों के बाद इतना बड़ा पौधा हो चुका है, देखिए काफ़ी अच्छा हो गया। इसके बाद 37 दिनों के बाद इतना बड़ा पौधा हो गया, फाइनली हमारा पौधा तैयार हो चुका है 37 दिनों के बाद। देखिए काफी अच्छे से हमारा पौधा तैयार हो चुका है, और इसे अब हम खोल लेते हैं प्लास्टिक को ताकि उसे हवा लगे। अब हवा लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा, क्योंकि पौधा तैयार हो चुका है। और दो पौधों के बीच से हमारा एक पौधा तैयार हुआ है, और काफी अच्छे से इसका पत्ते भी आ चुके हैं। आने से अच्छे से हमारे
हमारे पौधे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए फाइनली हमारा, ये देखिए फाइनली हमारा ट्रांसप्लांटिंग यानी कि बिना इशू के हमारा पौधा तैयार हो चुका है। पौधा अच्छे से जुड़ चुका है, मेरा कलम जो है वो दो पौधों के बीच से कलम जुड़ चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ, जैसा भी वीडियो चाहिए कमेंट करते जाइएगा, मैं उस प्रकार का वीडियो